हमारे भोलेनाथ पे चढ़ाने की परंपरा बनाई, क्योंकि जहर बताने का काम भोलेनाथ का होता है, इंसान का नहीं। 11 महीने भोलेनाथ पे दूध नहीं चढ़ाते, सिर्फ सावन महीने में चढ़ाते, क्योंकि समुद्र मंथन में जो जहर निकला वो सारा का सारा जहर भोले बाबा ने पिया, उनका गला नीला हो गया, नाम नीलकंठ हो गया। संसार में किसी देवता के पास में जहर पचाने की शक्ति नहीं है, सिर्फ भोलेनाथ में है। इसलिए सावन महीने का दूध भोले बाबा पे चढ़ाओ, दूध की बजाय दही माखन घी सब खा सकते लेकिन दूध मत पिलाओ। 11 महीने बच्चे को दूध पिलाओ, 12 महीने बच्चे को 10 बजे सुलाओ। आप सोचेंगे कि बच्चा 1-2 बजे तक पढ़ेगा तो ज्यादा बुद्धि तेज रहेगी, लेकिन बच्चा जो लेट तक पढ़ेगा उसकी बुद्धि कमजोर ज्यादा होती है मेरे भाई बहन। इसलिए बच्चे को जल्दी सुलाओ, क्योंकि 12-1 बजे तक जो बच्चा पढ़ता है उसकी बुद्धि कमजोर होती है। 10 बजे तक सबको नींद आना चालू हो जाता है, फिर भी कोई बच्चा अगर टीवी चौपड़ी लैपटॉप के लिए जगेगा उसकी बुद्धि कमजोर होती है, उसकी मेमोरी पावर कमजोर होती है, एग्जाम के पहले भूल जाता है, एग्जाम के बाद भी सारा ही भूल जाता है। इसलिए बच्चे को जल्दी उठाओ, सुबह 3 बजे से लेकर 7 बजे तक का टाइम होता पढ़ने का, सुबह उठा करके जो घर में गाय माता है उसकी परिक्रमा लगाओ। जो बच्चा गया की परिक्रमा करेगा उसको 33 कोटि देवताओं की एनर्जी मिलेगी, और जो पढ़ेगा उसको हमेशा याद होगा, वो भूलेगा नहीं। इन बातों का पालन कराओ। इसके बाद में नंबर आता है सगाई का, नहीं बताएंगे तो आप सगाई में दिक्कत नहीं होती आजकल लोगों की, उस बात को छोड़ देते। सगाई में भी भाई लोगों की बात हो चाहे बहनों की बात हो।